सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। सौण का महीना शुरू हो गया तो सौण के महीने की सब तो मेन रैसपी जिहड़ी आ खीर ते पूड़े अज पए बना के तैयार करांगे। पूड़े जिहड़े आ बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होए आ, एकदम नरम बने आ पूड़े। साइडा भी इहदियां जिहड़ियां एकदम नरम ने। पूड़े जदों नरम बन के तैयार होंदे आ फिर ही पूड़िया नूं खाण दा जिहड़ा स्वाद आ वधिया आउंदा आ। खीर जिहड़ी आ ये आपां हलवाई वर्गी बना के तैयार कीती आ। चौल ते दुध देखो एकदम मिले हुए आ। जे इस तरीके दी खीर होवे फिर ही खीर नूं खाण दा स्वाद आउंदा आ। ये हलवाई वर्गी खीर आपां किवें बना सकदे आ घर दे विच, ते पूड़े जिहड़े आ एकदम नरम किवें बन सकदे आ, ते किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा सानूं ध्यान रखना चाहीदा आ। वीडियो दे विच मैं सारा कुछ तुहाडे नाल सांझा कीता आ। वीडियो नूं शुरू करदे आ। वीडियो नूं खीर तक दे पहला आपां खीर बना के तैयार करांगे। खीर जिहड़ी आ बिल्कुल हलवाई वर्गी अज आपां बना के तैयार करनी आ। बहुत वधिया इह बण के तैयार होऊगी। इहदे वास्ते 2 किलो दुध लिया आ। दुध जिहड़ा आ फुल क्रीम लैणा आ। जे कच्चा दुध होवे तुहाडे कोल कच्चा भी लै सकदे हो, जे उबलिया होया होवे तां उबलिया होया भी लै सकदे हो। मेरे कोल उबलिया होया 2 किलो दुध आ। दुध दी जिहड़ी मलाई आ उह मलाई आपां नाल ही लवांगे, खीर दे विच पावांगे। उहदे नाल फिर की आ कि खीर बहुत वधिया बणूगी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੇ ਤਲੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਬਲਣ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਬਲਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਬਲਣ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਬਲਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 1/2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 3-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੀਰੇਲਾ ਆਪਣਾ 1/2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 4-5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੱਝਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੱਝਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੋਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੌਲੀ ਗੁੜ ਦੀ। ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। 1 ਕੌਲੀ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਖੀਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਚਮਚਾ ਲਏ ਆ 4 ਮਗਜ਼, 8-10 ਕਾਜੂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਏ, 8-10 ਬਦਾਮ।
5-7 मिनट लिए असीं हले खीर होर पक्कन देनी आ। उस तो बाद अखीर दे विच असीं इहदे विच जिहड़े ड्राई खांडा अखीर दे विच पानी आ। खीर नूं टोटल 20-25 मिनट हो गए आ पकदे होए। खीर साडी तैयार आ बण के। हुण असीं इहदे विच पावांगे 6-7 हरियां इलायचियां लईयां। इलायचियां दे दाणे कढ के उहनां नूं कुट लिया। इलायची जिहड़ी आ ताज़ी पाणी आ। ताज़ी इलायची दा जिहड़ा स्वाद आ ज़्यादा वधिया आउंदा आ। 150 ग्राम खंड आ। खंड बाकी जिहड़ी आ तुसीं अपने स्वाद दे हिसाब नाल पा लैणी आ, जिन्ना कु तुसीं मिठा पाउणा पसंद करदे हो। खंड पाउण तों बाद 5 मिनट तक आपां इहनूं खीर नूं पका लिया। खीर साडी बण के तैयार आ। गैस आपां बंद कर देणी आ। तो कुकर जिहड़ी आपां हुण खीर बणाई आ इहदे विच 150 ग्राम खंड पाई आ। खंड इहदे विच वैसे 2 किलो दुध दे विच 200 ग्राम आपां पा सकदे आ, पर इहनूं खीर नूं आपां पूड़ियां दे नाल बणा के सर्व करना आ। इस करके जिहड़ी खंड दी मात्रा मैं घट रखी आ खीर दे विच, क्योंकि जिहड़े पूड़े आ उह वी मिठे होणे आ। इस करके खीर जिहड़ी आ थोड़ी जिही घट फिक्की होणी चाहीदी आ, मतलब ज़्यादा नहीं इहदे विच तेज़ मिठा होणा चाहीदा। खीर जिहड़ी आ देखो बहुत वधिया बन के तैयार हुई आ। हले देखण दे विच थोड़ी जी पतली लगती है, पर जो इन्हें ठंडी हो जाना आ फिर इन्हें थोड़ी होर गाढ़ी हो जाना आ। गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके खीर साइड पर रख देंगे तो जिहड़ा अपना गुड़ वाला पानी आ उहनू चैक कर लैंदे आ। गुड़ देखो जिहड़ा है पिघल गया है। जे विच थोड़े बहुते टुकड़े हो तां टुकड़िआं नू फेंह लैणा आ। इहनू साइड पर कर देंगे। एक खाली डोंगा लवेंगे। एक कौली गुड़ सी ते दो कौलियां आपां आटे दियां लैणियां है। देखो कई बारी कमेंट आते कि साढ़े पूड़े जिहड़े आ वधिया नहीं बनते। उहदा कारण यह भी हुंदा आ कि जे गुड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए तां वी पूड़े सही तरीके नाल नहीं बनते। जिन्ना तुसीं गुड़ लैणा आ उह तों दुगुणा, उह तों दो गुणा, जिदा हुण एक कौली गुड़ आ ते दो कौलियां जिहड़ियां आ आटे दियां लैणियां है। जे दो कौलियां गुड़ दियां ने तां चार कौलियां जिहड़ियां आ तुहाडियां आटे दियां होणियां चाहीदियां आ। गुड़ दा जिहड़ा पाणी आ छाण के पावांगे। थोड़ा थोड़ा करके पाउणा आ। हुण जिन्ना कु सानूं लोड़ पऊगी उह असीं पाणी पा लैणा आ। पहला आटे नूं चंगी तरह घोल लैणा तां कि कोई गुठली जिहड़ी आ उह विच ना पवे। एक कौली पानी ले लिया। जिनी क सानू लोड़ होगी उन्ना क पानी आप पावांगे। पूरी कौली पानी भी पै गई। घोल देखो साडा तैयार आ। पूड़े आपां लोहे दे तवे दे उत्ते बना के तैयार करने आ। लोहे दे तवे नूं चंगे तरीके दे नाल साफ़ करना आ ते इहनूं पूड़ियां नूं बनाउण लई सरों दे तेल दा इस्तेमाल करांगे। ते पूड़ा जदों फुलाउणा आ, फुलाउण दे लई मैं इहदा पीपल दा पत्ता जिहड़ा लिया आ। पीपल जे तुहाडे कोल पत्ता इहदा ना होवे तां तुसीं कोई गत्ता लै सकदे हो, गत्ते दे नाल वी पूड़े नूं फुला सकदे हो। तवा जिहड़ा चंगी तरहां कर लैणा गरम। गरम करके इहदे ते तेल ला देंगे सरों का। तो पहला जदों आपां पूड़ा बनाने हैं पहला पूड़ा जिहड़ा आ चिपकदा आ तवे दे नाल। उस तो बाद अपना कोई भी पूड़ा जिहड़ा आ इहदे नाल
तवे नाल नहीं चिपकूगा। एक कड़छी भर के आप बैटर पा दिया, साइडा ते थोड़ा थोड़ा इदा तेल ला देना है। तेल लाने नाल फिर की है पूड़ा चिपकूगा नहीं। जदों तवे नूं चंगी तरह साफ कर लैंदे आ फिर पूड़े चिपकदे नहीं। कई बारी हुंदा कि पहला पूड़ा चिपकदा आ पर फिर दूसरी बारी नहीं चिपकदा। हुण देखो पूड़े दा रंग बदल गया, खुरचना लै लेना है। इहदे नाल असीं एक बारी पहला इहनूं हिलावांगे पूड़े नूं, पूड़ा दोनों साइड तों सिक गया। तवा जिहड़ा ज़्यादा गर्म सी इस करके इहनूं सेक थोड़ा जिहा ज़्यादा लग्गिया है। थोड़ा जहा तेल है तो थोड़ा जहा लैना साइडां ते पा देना। थोड़ा थोड़ा इतना दाब लेना है आपको। पूड़े साढ़े बन के तैयार आ, गैस बंद कर देंगे। खीर ते पूड़े साढ़े बन के तैयार आ, बहुत वधिया बन के तैयार हुए आ। पूड़े भी जिहड़े आ एकदम नरम बने आ। कई बार की होंगे कि कंडिया के उत्तों इदा सख्त बन जाते हैं, कंडे जड़े आ ये साइडा जड़िया आ वह भी बहुत ज़्यादा नरम बनिया आ। जे लगन तू कि साइडा थोड़िया जी सख्त ने, पर जो तुम इन बना लेना सारे पूड़िया तो वह जड़िया साइडा भी नरम हो जाए। इस तरीके बना के खाओ। वीडियो में लाइक तो शेयर जरूर करो। चैनल पर पहली बार आके वीडियो देखते पे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करके जायो। वीडियो देखने लिये बहुत बहुत धन्यवाद।